हेलो दोस्तों, नए और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम शिवगद्दी आए हैं, जो कि शिवरात्रि का जो बाबा का रात में 12 बजे विवाह हुआ, शादी हुआ था। अभी हम दर्शन करने जा रहे हैं। आज सुबह के 7 बज रहे हैं। सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग और हैप्पी शिवरात्रि। सो दोस्तों, आज हम शिवगद्दी का आप लोग का शिव पार्वती मंदिर दिखाएंगे, जहाँ शिव का मतलब जहाँ गुफा है वहाँ भी आप लोग को चल के दिखाएंगे, और जहाँ बैला गाय का मतलब जहाँ पान का निशान है उस जगह भी आप लोग को दिखाएंगे। बहुत ही मतलब अच्छा जगह और बहुत ही बेहतरीन जगह है, जहाँ आप लोग कभी नहीं देखे होंगे। देखे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। कितना भीड़ है और कितने लोग जा रहे हैं वहाँ ऊपर पहाड़ तक पूजा करने के लिए, और कितने अभी पूजा करके उतर भी रहे हैं, देख सकते हैं हमारे आगे और ये पीछे का व्यू ऐसा रहा। और पूजा के लिए सामग्री ले लेंगे, जल फूल ले लेंगे, और इसके बाद बाबा के यहाँ जाके जल चढ़ाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। यही है दोस्तों पूजा का सामग्री, और जल फूल ले लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। गंगा जल है कितने करके? अच्छा, वो प्रसादी भी है दोस्तों। देखिए जल फूल, मेरा बेल पत्ता, और चलिए मंदिर तरफ बढ़ते हैं। ये है गेट, कितना अच्छी तरह से मतलब बनाया है, देख सकते हैं। ये दोस्तों शिवगद्दी का जो मेन द्वार, भोले बाबा का जो मूर्ति बनाए हुए हैं, देख सकते हैं कितना अच्छा मतलब गेट बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। और कितना श्रद्धालु जा रहे हैं पूजा करने के लिए पहाड़ की ओर, देख सकते हैं बाबा मंदिर यहाँ घंटी भी लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। शिवगद्दी में आने वाले सभी सौ भक्तों का शिवगद्दी पवन समिति हार्दिक अभिनंदन करती है। दोस्तों ये है मेन गेट, अभी प्रवेश करने वाले हैं शिव पार्वती मंदिर। यही गुफा है, देख सकते हैं। और कितने आदमी पूजा करके रिटर्न आ रहे हैं, तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। आगे आप प्रवेश करने वाले हैं शिव बाबा के पास। जल फूल ले लिए, मेरे हाथ में जल और फूल है, देख सकते हैं। प्लास्टिक में मेरा पत्ता है, और मेरे पीछे देख सकते हैं कितने आदमी हैं। पूजा हो गया, पूजा हो गया। आइए, नहीं 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 हुआ है, देखिए मेरा दोस्त भी आ गया। पूजा कर लिए, अभी कहाँ है शिव? यही है ना दोस्तों, हम पहली बार आए इसलिए जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ है मंदिर। यही है ना? अच्छा, इसी का। हाँ ठीक है दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं द्वार को जो सजाया है, उसी के अंदर जाना होगा। शिव मंदिर है ना, पार्वती उसी में। अच्छा, दोनों में शिव पार्वती मंदिर, वहीं पर आप लोग को ले जाके दिखाने वाले हैं और दर्शन भी करवाने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। चलिए आप भी और एक बार चले ना साथ में, आइए आइए चले दोस्तों। उसको भी लेके जा रहे हैं, कहीं कि हम नहीं देखे हैं ना, उसको भी साथ में लेके जा रहे हैं। मेरा बड़े भैया है, आइए। इतना गुफा के अंदर ये देख सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, भोले बाबा का कहाँ शिव मंदिर कहाँ है? यही है ना, यही दस्त शिव पार्वती मंदिर। कितना भीड़ आदमी है, कितना बड़े। चलिए बोल बाप। दोस्तों पूजा करने की कोशिश कर रहे दोस्तों, यही है, यही है। शिव बाबा के पूजा हो गया है, आप पार्वती मंदिर के आप जाते हैं, हम दर्शन भी करवाते हैं, हम भी करते हैं, ताकि बाबा मंदिर खुला कर सकते हैं। पार्वती ये है ना, तो ये भी मेरे साथ में लीजिए, आप कर रहा पकड़ दीजिए। आइए।
दोस्तों पूजा हो गया है, गुफा के अंदर अभी भी है और मेरे साथ कैमरा मैन ने ही थोड़ा हेल्प कर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो आइए गुफा के अंदर चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारा लोग जाकर नहीं देख सकते हैं मेरे गुफा के अंदर दर्शन करने को से, यहाँ पर देखिए कितने भीड़ लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर मौका मिल जाएगा वहाँ भी कर लेंगे, यहीं पर लगे हुए हैं। देखिए बैठ के जाना होगा, बैठ के जाना होगा, बैठ के जाना होगा, आदमी लोग दर्शन करते हैं वहाँ पर, मेरे पीछे देख सकते हैं और इस प्रकार कितना भीड़ है, बहुत ही भीड़। हाँ पूजा हो गया, अंदर गुफा तरफ जाना है दोस्तों, कुछ नहीं बोलते चले, कोई बात नहीं, इतना भीड़ है दोस्तों, एक गुफा में जाना है, बहुत ही कठिन परिश्रम से जाने के लिए सोच रहे हैं, इतना ही गुफा भीड़ है और इतना देख सकते हैं लाइन पर सब कुछ भीड़ है और यहाँ पर शिव पार्वती को दर्शन कर लिए, राम भगवान का अंदर में ही जो वही है दर्शन करने हैं, लोग लाइन पर है, कतार लाइन पर है, पूरा धन्यवाद। ये दोस्तों ये प्रकृति का बनाया हुआ गुफा है, चट्टान गुफा है, देखिए मेरा सिर सटा हुआ गुफा के, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह मूर्ति बनाया हुआ है और कितने आदमी भीतर में बैठे हुए हैं, कितना खतरनाक बड़ा मूर्ति है, बाबा बैठे हुए हैं, कितना भीड़ है, यही लाइन पर साफ सफाई कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग और पीछे का इस श्री राम का नारा लगाते हुए दोस्तों जा रहे हैं पूजा करने के लिए, बहुत ही जा रहे हैं दर्शन कराने के लिए और बहुत दूर आ चुके हैं, पूजा करने जा रहे लाइन में लाइन में लाइन में लाइन में दोस्तों, गुफा का जो पूजा करने का था वो हो गया है, बहुत ही कंजेस्टेड जगह था और बैठते बैठते कम से कम 10-15 मिनट लग गया वहाँ पर जाकर के दर्शन किया और मेरा फोन भी उसमें काम नहीं करने लगा, इतना भीड़ है, मेरा लॉक लग गया था, वजह से हमने वीडियो नहीं कर पाए। और गुफा के अंदर दो कबूतर हैं दोस्तों, कबूतर मतलब वहाँ पर हर हमेशा ही बैठे रहते हैं और वहाँ बाबा हैं, वो बाबा बहुत सहयोग किए हमें, बोले कि दर्शन कीजिए, आगे घीच के ले जाकर दर्शन कराए और बहुत ही कंजेस्टेड जगह है दोस्तों, गुफा प्राकृतिक बनाया हुआ, कोई ऐसे बाबा नहीं बनाए हैं ना कोई ऐसे आदमी मनुष्य बनाए, वो प्राकृतिक बनाया हुआ है शिव गद्दी का और बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर, जो कुछ भी आप मतलब सच्चे दिल से मानिएगा और पूजा कीजिएगा वो आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम फिर दूसरे जगह, फिर हम लोग वहाँ से गुफा के पास दूसरे जगह फिर दर्शन करवा रहे हैं, आइए दर्शन करते हैं, जहाँ पानी छूटता है ऊपर से, तो ऊपर इतना कभी नहीं सूखता है, ऊपर से टपकते रहता है, तो देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोटा और बोतल लेकर के खड़े हैं, जो कि मेरे बोतल और लोटा में घुस जाता है कि मेरा मनोकामना पूरा हो जाए और जो सच्चे दिल से पूजा करते उसके तो मनोकामना पूरा होना चाहिए दोस्तों, और भोले बाबा है जिसके ऊपर कृपा बनाए रहते हैं वही मतलब पूरा कर देते हैं, देख सकते हैं कितने भीड़ है और मेरा दोस्त भी उधर चले गए, इसलिए कैमरा करने में थोड़ा सा डिस्टर्ब दिक्कत हुआ और अपने से भी करना उतना पॉसिबल है नहीं कि दर्शन करें और ये कर जितना हो सके उतना आप लोग को दिखा रहे हैं बाबा, आप यहीं रहते हैं। अच्छा ये पानी तो मतलब कभी नहीं सूखता है ना, दोस्तों मेरा दोस्त भी है देख सकते हैं क्या कर लेते हैं, तो इसमें मतलब जो टपकते रहता है बारिश के दिन में भी इसी तरह और जो मतलब धूप के टाइम में भी इसी तरह टपकते रहते हैं ना, अच्छा और इसका मतलब रहस्य क्या है, इतिहास क्या है बाबा इसके बारे में, टपकने के बारे में रीजन सावन में पंप पंप का घेरना चलता है, अच्छा
अच्छा अच्छा हाँ हाँ और अच्छा इसी तरह टपक टपक छूते रहता सालों भर। दोस्तों बताने चाहूँगा कि ये कभी नहीं रुकता है, ये मतलब टपक टपक गिरते रहता है, ये भगवान का देन है और ये कोई बनावटी नहीं है कि जो कि ऊपर में पानी कोई गिरा देगा। बहुत ही इन साल तो कम है लेकिन अगले साल ज़्यादा। अच्छा इन साल दोस्तों कम है और अगले साल बहुत पानी था, तो देख सकते हैं कितने माताएं बहनें आए हुए हैं लोटा बोतल ले करके, ताकि मेरा बोतल और लोटा में एक बूंद भी आ जाए ताकि मेरा मनोकामना पूरा हो जाए और ये जल ले जा करके अपना मंदिर जो भी पूजा करते हैं शुद्ध होते हैं। अब बाबा ये गुफा के बारे में कुछ बताइए। हाँ हाँ इसके बारे में। अच्छा ये ढेला। अच्छा दोस्तों ये जो ढेला है मनोकामना के लिए, आप जो भी मांगिएगा सच्चे दिल से आपको मतलब मनोकामना पूरा हो जाए मिल जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं ये बाबा बाबा का कहना है और बाबा भी जानते हैं, पहले से पूजा करते हैं, बाबा लोग को भी जानकारी है। तो बहुत को मिला, बहुत को मिलता है। अच्छा आज भी बहुत आदमी चढ़ाया था। अच्छा मनोकामना। अच्छा गश्ती करते हैं कि मेरा मनोकामना पूरा होगा, हम यहाँ दया चढ़ाएंगे ना बाबा। दया चढ़ाएंगे कबूतर से। अच्छा कबूतर वो रखा हुआ है दोस्तों, वो जो झोला है झोला के उस पर कबूतर रखा हुआ है, वो मनोकामना पूरा होने पर वहाँ पर ही कर देते हैं। अच्छा बस जिसके मन में जो होता है वो चढ़ाता है। अच्छा जिसको जो होता है जिसके मन में लड्डू चढ़ाता है। अच्छा उसके बारे में कुछ बताइए कैसे मतलब वहाँ कबूतर सालों भर बैठे रहते हैं ना, दो कबूतर हम अंदर में देखे बराबर चढ़ते रहता है। अच्छा ये बाबा ये तो कोई मतलब आदमी नहीं कोड़ा है, ये प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक अपने आप बना है, अपने आप गुफा बनाया ना। हाँ विश्वकर्मा बनाया। अच्छा विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं, तो यहाँ पर आदमी पूरा सालों भर भीड़ रहता है ना बाबा। हाँ भीड़ तो रहता है, सोमवार सोमवार को जाते रहता है। अच्छा कल तो और भीड़ रहेगा ना बाबा। हाँ कल और भीड़ रहेगा, कल सोमवार है आज से रविवार है। और शादी कब हुआ था बाबा, 12 बजे रात को ना? शादी 10 बजे बंद हुआ। अच्छा 4 बजे खुला। दोस्तों सुन ही लिए बाबा जो बोले, हम क्या बताएंगे बाबा के मुँह से सुन ही लिए। 10 बजे बंद हुआ 4 बजे खुला, शादी होने के बाद ही सभी श्रद्धालु जो पूजा करने के लिए लाइन पर आए और दर्शन करने लगे। और देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर ये बांधे हुए हैं ताजा, उसमें मनोकामना पूरा होने के बाद बांधते हैं और बोतल पर ले जल लेकर खड़े। थैंक यू बाबा, आप बहुत ही मतलब हमको ये मतलब परिचित करवाए कि बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाबा बाबा को दिल से धन्यवाद, बाबा को प्रणाम कर लेते हैं पैर झुके। दोस्तों पूजा हो गया, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं, गाय के पैर का निशान है उस जगह आप लोगों को दिखाने वाले हैं, दर्शन कर लिए मेरा मंदिर मेन द्वार। देख सकते हैं यहाँ से पानी भी पूरा रहा है, बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाए। आप जा रहे हैं पहाड़ की ओर जहाँ गाय का मतलब पैर का निशान है, वहीं पर जा रहे हैं। देख सकते हैं कितना भीड़ है और छत के ऊपर से देख सकते हैं इस प्रकार व्यू है और बहुत ऊपर टॉप पर चढ़े हुए हैं। देख सकते हैं चारों तरफ से दिखा रहे हैं, सीढ़ी कितना अच्छा बनाया हुआ है, आदमी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। फाइनली दोस्तों पहुंच गए। कौन भगवान का ये मूर्ति है यहाँ? नंदनी। नंदनी नंदनी ना, नंदनी। और जहाँ मतलब गाय का जो पैर का निशान था वही है क्या? वही है नंदनी। जो दोस्तों आप लोग दर्शन कर रहे हैं नंदनी, इसी नंदनी का खुर है निशान है, बाबा का कहना है। बाबा यहीं रहते हैं ना आप? हम लोग यहीं रहते हैं। अच्छा यहीं रहते हैं बाबा, देख सकते हैं। और आप लोग को बोले थे कि नंदनी का मतलब जो पैर का निशान था वो भी दिखाएंगे, तो वो दिखाने के लिए आप लोग को लाए। हाँ, उतना दोस्तों गड्ढे में जो पानी है ना। अच्छा नंदनी का पैर का गड्ढा है जो दोस्तों गड्ढा जो मैं आप लोग को पानी दिखाया ना, वो पानी का मतलब वो नंदनी का ये है मतलब गढ़ाई है, वो कभी जो दशा है ना। अच्छा वो गढ़ाई हो गया नंदनी। अच्छा अच्छा तो कभी सूखता नहीं है? कभी नहीं सूखता।
इसी तरह सालों भर इसी तरह ही पानी रहता है साल, तो इसका सात दिन इसी तरह ही इतने पानी। ठीक है बाबा को, मतलब जो हमको जानकारी नहीं था इसके बारे में पूछे तो बाबा हमको बताए हमको कि इस तरह नंदी बाबा का खूर है, उस जगह पानी रहता है सालों भर। तो बाबा से पूछ के आप लोग को भी प्रूफ करा दी, बाबा लोग को जानकारी है, हमको तो जानकारी है नहीं। ठीक है बाबा, ये दोस्तों नंदनी का खूर का जो पानी है जो बाबा बोले तो वही मतलब पानी यहाँ मतलब सालों भर इसी तरह ही रहता है। देख सकते हैं ये बाबा बोले कि नंदनी का खूर यहाँ मतलब पैर का निशान है, इसी का पानी सालों भर रहता है इसी तरह। और यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और इसी का तो पहले से ही जल है और आदमी आने जाने से इसी तरह मतलब थोड़ा पानी का चले इसे कोई बात नहीं। यहाँ पर गुफा में घुसे तो वो भी दिखाया आप लोग को। चलिए दोस्तों इतना ही, ऊपर से आप नीचे उतर गए सीढ़ी कुछ ही समय में पहुँच जाएंगे। तो मेन द्वार है वहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पीछे और आदमी आ रहे हैं दर्शन कर लिए हैं सभी के। तो ये कौन जी का है? नाग बाबा, ये तो नाग बाबा है। अच्छा, यहाँ मतलब वो आदमी यहाँ भी दर्शन करते हैं ना वहाँ? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हुए? बंगाल से। और बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। देख सकते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, सहित्या से ना। बहुत ही अच्छा लगा ये लोग भी, देखिए कितना अच्छा मतलब अपने नाग बाबा का जो लाए हैं यहाँ पर मूर्ति वो भी आप लोग को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी दान दिए अपना खुशी से, बाबा लोग कोई किसी से जल जबरदस्ती नहीं है, जो भी आप लोग खुशी से दान कर सकते हैं यहाँ पर बाबा लोग को लगा कि एक वीडियो इन लोग का बनाने बहुत ही मतलब इन लोग का देखे कि इन लोग का बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं किसी से जर जबरदस्ती नहीं, जो खुशी मन से देते हैं वो लेते हैं और किसी का मतलब यहाँ पर बजा रहे हैं और किसी से लगा जाते नहीं। तो आप लोगों को जितना जहाँ कुछ का दर्शन करवाने और दिखाने का था सारा चीज़ दिखा दिए और वीडियो में आते रहेंगे आप लोग दिखाने अच्छा अच्छा दिखाने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे पीछे देख सकते हैं डेकोरेशन की बढ़िया से बढ़िया दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। और आज के लिए नेक्स्ट वीडियो में।